इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वैक्सीन लगवाकर जिस भरोसे का संदेश दिया था, उसका असर यह है कि वैक्सीन को लेकर अफवाह तंत्र पूरी तरीके से फेल हो गया है। राउंड टू के आज दूसरे दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता से लेकर अहमदाबाद तक लोग पूरे भरोसे और यकीन के साथ कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई अविश्वास, कोई डर कहीं नहीं दिख रहा है। वो चाहे देसी कोवैक्सीन हो जो प्रधानमंत्री ने लगवाई है, या सीरम इंस्टीट्यूट वाली कोविशील्ड हो, लोगों को वैक्सीन लगवाने में कोई परहेज नहीं है। देश के इन बड़े शहरों की वैक्सीनेशन सेंटर्स की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। शुरुआत मुंबई के जेजे हॉस्पिटल से, जहां वैक्सीनेशन ड्राइव किस तरह चल रही है जानने के लिए पहुंचे हमारे सहयोगी सचिन चौधरी। जेजे हॉस्पिटल में वैक्सीन लेने वालों की अच्छी खासी भीड़ जमा थी। किसी के पास वैक्सीन को लेकर कोई आशंका नहीं थी। लोगों का कहना है कि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और जो इसके लिए एलिजिबल हैं उन्हें जरूर लेनी चाहिए। मौजूद है हम मुंबई के सबसे बड़े जेजे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल है, और वैक्सीन लेने के लिए 60 साल के ऊपर जो बुज़ुर्ग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं। काफ़ी भीड़ जो है मुंबई के जेजे अस्पताल में है। जब पहले और दूसरे चरण में वैक्सीनेशन हुआ था तो काफ़ी कम रिस्पॉन्स यहाँ पर मिला था, लेकिन आप इस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर काफ़ी भीड़ यहाँ पर है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर आए हैं और कई सारे MLA, मंत्री, विधायक वो भी इसी सेंटर पर आकर जो है वैक्सीन लगवा रहे हैं। आप अंदर भी देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन रूम है यहाँ पर और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है। ये वही रूम है जहाँ पर वैक्सीनेशन अंदर चल रहा है। बुज़ुर्गों को यहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है। कई सारे लोग हैं और वेटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, कई सारे बड़े नेताओं ने वैक्सीन ली, उसके बाद लोगों में काफ़ी उत्साह जो है ये जाग उठा है। और अब वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में डर कम हो गया है। यही कारण है कि ज़्यादा जो है लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ नेता है कृपा शंकर सिंह, उन्होंने भी वैक्सीन ली है। आपने अभी यहाँ पर वैक्सीन ली है, कौन सी वैक्सीन ली आपने? कोवैक्सीन जी। हम देख रहे हैं कि कल से, जब से प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगाई, कई सारे बड़े नेताओं ने वैक्सीन लगाई, लोगों के मन में पहले आशंका थी, डर था, वो अब निकल गया और काफ़ी भीड़ देखने में मिल रही है। नहीं, आशंका तो नहीं थी, लेकिन पहले ये तय हुआ था कि जो कोरोना वॉरियर हैं, हॉस्पिटल, पुलिस, साफ सफाई, म्यूनिसपैलिटी, हम ही लोग पहले से लगवाने लगेंगे। तो ये होगा कि उनका पहले हो जाने दो। जब ये डिसाइड किया कि सीनियर सिटीजन लगना है, तो मतलब हमको कभी शंका थी भी नहीं कि मतलब वैक्सीन जो बना हमारा डॉक्टर ने बनाया, हमारा साइंटिस्ट ने बनाया है, उस पर पूरा भरोसा तब भी था। सिर्फ मैंने कल डॉक्टर साहब से, डॉक्टर लाहनी साहब से और बाकी बात किया, तो ये था कि हाँ प्रधानमंत्री जी ने कल लिया, कल पवार साहब ने भी लिया और लोग ले रहे हैं, लेकिन मेरे मन में शंका नहीं थी। मेरे मन में यही था कि जब और लोगों का जो उसमें इन्वॉल्व है, पूरी मन में किससे शंका हट गई है, आम जनता के मन में जो शंका थी वो हट गई है, हट जाना चाहिए। इसलिए शंका करनी नहीं चाहिए कि जब अगर हम, हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इसके ऊपर भरोसा नहीं, किसके ऊपर भरोसा करेंगे? भगवान के बाद अगर कोई भरोसा, तो हमारा डॉक्टर है। जो हमारा डॉक्टर ये हमको टीका दे रहे हैं, लस दे रहे हैं, तो क्या ऐसे मतलब किसी को दे देंगे? वो कभी अपने हाथ से, डॉक्टर तो कुछ गलत, लेकिन शंका लोगों को कई रूप से, कई लोगों ने कुछ पॉलिटिक्स भी करी होगी, नहीं करना चाहिए। इसमें ये शुद्ध रूप से हमारे मतलब साइंटिस्ट ने तैयार किया, हिंदुस्तान ने तैयार किया है और डॉक्टर दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मेडिकल डायरेक्टर भी है महाराष्ट्र के, डॉक्टर लाहनी साहब। लाहनी साहब, आप शुरू से, जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ, लगातार आप मॉनिटर कर रहे हैं पूरे राज्य भर में, जेजे अस्पताल में, मुंबई के अस्पतालों में। हम देख रहे हैं कि कल से ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है, क्यों ऐसे अचानक से आपको लगता है भीड़ बढ़ गई? नहीं, ऐसा देखिए, कैसा है कि 1 मार्च तक जो अपन कर रहे थे, तो उसमें जो पहला था वो हेल्थ वर्कर थे, बाद में फ्रंट लाइन वर्कर थे, और अभी तक सिटीजन को कभी नहीं दिया था। कल से सिटीजन को देना शुरू कर दिया है, बोल के अपने को भीड़ लग रही है, ऐसा नहीं। और कुछ लोगों के मन में आशंका जरूर थी, लेकिन जब भी आप सब लोगों ने उसको लिया है तो ऑटोमेटिकली आशंका कम हो गई। मुंबई के बाद जरा आप दिल्ली की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ही स्मूथली चल रहा है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही यहां लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। गंगाराम हॉस्पिटल से भास्कर मिश्रा की एक रिपोर्ट।
60 साल से अधिक उम्र के और 45 साल से लेकर 59 साल तक के कोमोरबिड पेशेंट्स के लिए वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन है। देश के कई हिस्सों में हमने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ थी वैक्सीनेशन सेंटर पे, लेकिन राजधानी दिल्ली में वो हाल नहीं है। मैं इस वक्त गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ, बहुत ही स्मूथ यहाँ पे चल रहा है। सुबह से 68-69 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। कुछ जो हेल्थ वर्कर हैं वो भी आपको दिख जाएंगे क्यू में लगे हुए, और कुछ जो दूसरे ऐसे लोग हैं जो दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन कल की तुलना में आज स्थिति अच्छी इसलिए है, एक्सपर्ट्स तमाम जो इंचार्ज हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन के, उनका ये कहना है कि जो पोर्टल है वो बहुत स्मूथ चल रहा है आज कल की तुलना में, इसलिए दिक्कत नहीं हो रही है। पहले लोग रजिस्ट्रेशन यहाँ करवाते हैं, उसके बाद ये वैक्सीनेशन का एरिया है जहाँ डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई होता है, और फिर उसके बाद एक एक करके सबका वैक्सीनेशन किया जाता है। ये कह सकते हैं कि पूरी दिल्ली में ही अभी कम से कम ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे बहुत ज्यादा भीड़ हो, अफड़ा तफरी हो। सरकारी हॉस्पिटल्स में जहां एक तरह से लिमिट है कि एक दिन में 200 या 500 अलग अलग हॉस्पिटल की जो क्षमता है उस हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन वो लोग लेते हैं, तो इसलिए वहां पे भीड़ नहीं है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो एक दिन में इनकी क्षमता ये है कि 1000 लोगों तक का वैक्सीनेशन हो सकता है, और 3 बजे के बाद जो है ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी के लिए भी ये लोग तैयार हैं। अगर उस हिसाब से लोग आते हैं तो दोनों ही स्थिति से निपटने के लिए काफी अच्छा इंतजाम है यहाँ पे, और उम्मीद की जा रही है कि ऐसा ही स्मूथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम यहाँ पे चलता रहे। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और दिल्ली के बाद आइए आपको अब गुरुग्राम के हाल बताते हैं, जहां पर वैक्सीनेशन राउंड 2 की ड्राइव फुल स्पीड में चल रही है। सरकारी और प्राइवेट दोनों वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। अभय पराशर ने लोगों से ही बात की और पूछा कि क्या प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगवाने के बाद उनका भरोसा और बढ़ा। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगवाने के लिए लोग बड़ी संख्या में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से पीएम मोदी कल हॉस्पिटल पहुंचे, एम्स पहुंचे और उन्होंने वैक्सीनेशन लिया, उसके बाद क्योंकि 60 साल की उम्र के जो लोग हैं और 45 साल से ऊपर के जो उम्र के लोग हैं जिन्हें कुछ बीमारियां हैं, उन लोगों का नंबर जो आ चुका है, और ऐसे में जब पीएम मोदी ने टीकाकरण करवा लिया है उसके बाद आप इस वक्त देख सकते हैं लोगों में क्रेज किस तरीके का है कि जैसे ही लोगों का नंबर आ रहा है वो अस्पताल पहुंच रहे हैं और आज वैक्सीनेशन के लिए यहां पर लोग बैठे हुए हैं। ये आर्टेमिस हॉस्पिटल है गुरुग्राम का, और यहां पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये वेटिंग एरिया है, और ये वो तमाम लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर्ड कर लिया है। आपको वैक्सीन लेने से पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होता है ऑनलाइन, और उसके बाद आपको वैक्सीन दिया जाता है। यहां पर तमाम लोग हैं, लोगों से एक बार बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका, कहां से हैं? रोमिला बजाज जी। नोएडा से हूँ। नोएडा से हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका आज वैक्सीन का नंबर है, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया अपने लिए? जी करा लिया जी। ये देखा जा रहा है कि कल जब पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवाया तो उसके बाद लोगों में एक विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं अलग अलग देश के राज्यों में जहां पर लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं अब अपना नंबर आने के बाद। तो आपको भी क्या लगता है कि इससे विश्वास बढ़ा है जो कल पीएम मोदी ने टीका लगवाया? बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। और ये वैक्सीन हम लोगों के लिए तो बनाई गई है, तो विश्वास तो पहले ही है कि जब वैक्सीन बनी है आम जनता के लिए बनी है, ये लगवाएंगे तो ही ख़त्म होएगी ये COVID-19, तभी ख़त्म होगा। तो कोरोना को भगाना है तो वैक्सीन लगवाना है। देखिए, बिल्कुल कोरोना का भगाना है तो वैक्सीन लगाना है। और भी लोग हैं सर, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से? अजय बजाज। अजय जी, वैक्सीन को लेकर ये देखा जा रहा है कि अब जैसे ही लोगों का नंबर आ रहा है, जो जो पॉइंट्स बनाए गए हैं 60 साल 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं, पहले अब जब पीएम मोदी ने कल टीका लगवाया है तो उसके बाद तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर हॉस्पिटल्स के अंदर लोग बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू हुए हैं। तो आपको भी क्या लगता है कि एक विश्वास बढ़ा है जब उन्होंने भी वैक्सीन लगवाया है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है? देखिए, मोदी जी ने कल सुबह 6 बजे लगवाया, उससे पहले भी हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ लोगों को लग चुका है, तो वैक्सीन तो टेस्टेड है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती तो अब 1.5 महीने से चल रहा है, प्रॉब्लम आ जाती, और मोदी जी के लगाने के बाद तो कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं रहती, बिल्कुल सबको लगवाना चाहिए। और मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि सबसे पहले लगवाया, ताकि किसी को ये बोलने का मौका नहीं मिले कि खुद नहीं लगवाया या लगवाया, दोनों में लोग तो बोलेंगे, लेकिन उनके लगवाने से देश में एक विश्वास की लहर है और लोग बहुत बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवाने में लगे हुए हैं। विश्वास की लहर है। सर, आपका क्या नाम है? कार्तिक। कार्तिक जी, पहले जो है वैक्सीन को लेकर खास तौर पर अगर हम बात करें, कोवैक्सीन की बात करें, तो तमाम तरह की कई जगह बातें हो रही थी, लेकिन कल पीएम मोदी पहुंचते हैं एम्स और कोवैक्सीन की वो डोज लेते हैं जब उनका भी एज ग्रुप का नंबर आता है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि कितना ट्रस्ट बढ़ा है और ज़्यादा जब से पीएम मोदी ने वैक्सीन लगाई, और आप भी वैक्सीन लगवाने आज यहाँ पर पहुँचे? करेक्ट। नहीं, पीएम मोदी नहीं,
इन लोग ने बोला 1.5 करोड़ इंडियन ने ले लिया है जी। हाँ, तो एक आदमी से ट्रस्ट नहीं है, ये साइंटिफिक एविडेंस है जी। उनने वैक्सीन लिया इसलिए हम नहीं आए जी। आप भी लगवाने आए हैं? हाँ, रजिस्ट्रेशन करा लिया। बिल्कुल तमाम लोग जो है वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख लीजिए, जो एज क्राइटेरिया है 60 साल और या फिर 45 साल से ऊपर जिन लोगों को कुछ बीमारियां हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैम आपका क्या नाम है, आप कहाँ से? वीना डेमला, गुड़गांव से आए। हाँ, मानेश्वर। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया वैक्सीन? हाँ जी, हाँ जी। जो जिस तरीके से अब लोग लगवा रहे हैं वैक्सीन के लिए, देखा जा रहा है हॉस्पिटल्स में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं अब टीकाकरण के लिए। कल पीएम ने भी वैक्सीन लगवाया है, तो क्या लगता है आपको, ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ा है जब कल? पहले भी था, मैं ट्रस्ट था, अभी भी मोदी जिंदाबाद। मुंबई के एक दूसरे वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी में हमारे सहयोगी संदीप चौधरी गए। यहाँ वैक्सीन लेने वालों की इतनी भीड़ दिखी कि पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए लोगों से अपील करनी पड़ी। के ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि लोग वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे। यहां मुंबई में बीकेसी का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है। आज सुबह से यहां पे इतनी तादाद में भीड़ हमें सुरक्षित अंतर रखना है, कोई भी भीड़ नहीं करेंगे। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन हो रहा है और जिसके कारण अभी पुलिस को भी बुलाया गया है। पुलिस की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि लोग यहां भीड़ इकट्ठा न करें, क्योंकि दिक्कत यहां सबसे बड़ी ये हो रही है कि सीनियर सिटीजन कतार में खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन हो रहा है, जो कि काफी अहम माना जाता है कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत। और यही बात ध्यान में रखते हुए कई लोग आज बिना वैक्सीन के भी यहां पर आए, रुके, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा होने के कारण यहां से लौट गए। कुछ लोग यहां पर अभी भी कतार में मौजूद हैं कि किसी तरह से यहां पर उनका नंबर लगेगा जब उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। आज सुबह से 7 बजे से ही काफ़ी तादाद में यहां लोग आ गए थे। बीएमसी का कोविड केयर सेंटर है ये, और सबसे बड़ा शहर का कोविड केयर सेंटर है जहां पर ये वैक्सीन इस वक्त दी जा रही है। और इसी वैक्सीन के लिए आज सुबह से ही लोग यहां पर इतनी तादाद में, मुख्य दरवाज़ा है कोविड केयर सेंटर का, वहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी तादाद में लोगों की लंबी कतारें एक साथ में जुट चुकी हैं। इंतज़ार है वैक्सीन का और लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि वैक्सीन के लिए जिस तरह से वैक्सीन का इंतज़ार किया जा रहा है, एक तरह से सुबह के वक्त से लेकर काफ़ी दिक्कत हो रही थी। सर कितना टाइम हो गया है आपको? अभी हमको तो अभी 5 मिनट ही हुआ है। हम लोग पहले ऐसा राशि सर। हाँ जी, नहीं 5 मिनट ही हुआ है, अभी हम आए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने के बाद सीनियर सिटीजन्स बड़े पैमाने पर टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल में भी दिखी। हमारे संवाददाता पवन नारा ने यहां पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों से बात की। भारत भर में वैक्सीन के अगले चरण की शुरुआत हो चुकी है। इसमें ओल्ड एज या कहें कि बुजुर्ग और कोमोर्बिडिटीज वाले पेशेंट वैक्सीन ले सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई है। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। कोलकाता के अस्पताल में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। इस वक्त हम PGMER में मौजूद हैं, जहां एक लंबी कतार है। न सिर्फ बुजुर्ग हैं बल्कि नौजवान भी, जिनको कोमोर्बिडिटीज हैं वो रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, मास्क से लैस होने के बाद। बाकायदा पुलिस की चेकिंग की जा रही है, उसके बाद यहां अंदर जाने दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि ममता दीदी यहां कई बार खत लिख चुकी हैं केंद्र को कि हमें वैक्सीन बांटनी है, वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन उससे पहले ही जो पूरे देश में प्लान चल रहा है उसके तहत वैक्सीनेशन मिलनी शुरू हो गई है। यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, कैसे आपने रजिस्टर किया, बता पाएंगे? मैंने नहीं किया एक्चुअली। हाँ, मेरा स्टाफ ने किया तो मैं बता नहीं पाऊंगा। अच्छा, तो आप तो यंग है, तो क्या कोई कोमोर्बिडिटी कंडीशन? मैं अपने पेरेंट्स को लेके आया। पेरेंट्स को लेके? आप मैम क्या एज है आपकी और क्या सोच के आप? 55 प्लस मेरे हस्बैंड का है। हाइपरटेंशन है। तो कोई डाउट था वैक्सीन की एफिकेसी को लेकर या? कोई डाउट? और क्या आप? वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। तो एक राजनीति भी हुई थी कि ममता दीदी ने कहा कि सबको लगनी चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? सबको लगनी ही चाहिए, क्यों नहीं लगे? अगर कोई डिजीज है तो उसको तो जाना ही चाहिए ना। अब वैक्सीन मिल रही है, इसका श्रेय किसको देते, क्रेडिट किसको मिलेगा? ये सारे साइंटिस्ट को देते हैं, फिर हमारे PM ने भी किया ही है, और सारे स्टेट साथ दे रहे हैं, तो किस सभी का है। और ये को वर्कर सारे
पुलिस जी, सब लोग हेल्प कर रहे हैं, सब हेल्प कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब हम करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव की। जिस मालदा में 50% मुस्लिम आबादी है, वहां आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू और हिंदुत्व का कार्ड खेलकर कैसे ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमले बोले, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।